हे गाइस इट्स मी अंश एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग इंडिया में कोई सा भी रेडमी का डिवाइस यूज करते हो जिसमें आप लोगों की MIUI रन करती हो, तो आज की वीडियो में आप लोगों को पूरी इजी वे में बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से एंड्रॉयड 12 को अपने डिवाइस के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। ऊपर का लुक होगा, बट ये जो लुक होगा आप लोग अपने डिवाइस में यूज करोगे तो काफी ज्यादा अच्छा आप लोगों को एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आप लोगों को एक छोटी सी बात और बता दूं, इसी टाइप की मोर देन 100 वीडियोस इसी चैनल पे आने वाली हैं, तो चैनल को जरूर से सबस्क्राइब कर लो। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले तो गाइस आप लोग यहां पर देख सकते हो मेरे हाथ में है Redmi का Note 10 डिवाइस, और इस डिवाइस में मैंने Android 12 के लुक को काफी इजीली इंस्टॉल कर रखा है, और इस जो लुक है आप लोग इसको काफी ज्यादा इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को इस जो Android 12 का जो मैंने लुक इंस्टॉल करा है इसके मैं आप लोगों को कुछ की हाईलाइट फीचर्स दिखा देता हूं। सबसे पहले आप लोग यहां पे देख सकते हो Android 12 की आप लोगों को ये एक क्लॉक आ चुकी है जो कि काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, और जो होम स्क्रीन है काफी ज्यादा सुपीरियर लग रही है इस वाली क्लॉक के बाद। अब बात करें हम लोग कंट्रोल सेंटर की, तो कंट्रोल सेंटर भी यहाँ पे टोटली चेंज हो जाता है। जो आप लोगों का कंट्रोल सेंटर है वो कुछ इस तरीके से आ जाता है, और यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, एंड ऐप ड्रॉअर भी यहाँ पे एकदम सेम ही रहता है। देन जो नेक्स्ट चेंज आता है वो आता है हमारी लॉक स्क्रीन के अंदर। यहाँ पे आप लोगों की क्लॉक देखने को मिल जाती है। आई नो क्लॉक का यहाँ पे कलर थोड़ा अजीब सा है क्योंकि वो ग्रीन वॉलपेपर है, इसलिए आप लोग कुछ इस टाइप की अलग अलग टाइप की यहाँ पे क्लॉक्स को सेट आउट कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को ये क्लॉक देखने को मिल जाती है, एंड इसी के बाद आप लोगों का यहाँ पे जो लॉक स्क्रीन है उसको टोटली कस्टमाइज करने का ऑप्शन देखने को आप लोगों को मिल जाता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे और चीज़ों की, तो आप लोगों का यहाँ पे जो सेटिंग्स का इंटरफेस है वो भी टोटली चेंज हो जाता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एंड्रॉयड 12 का पूरा लुक इंस्टॉल हो चुका है, एंड इसके बाद हमें यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो कुछ इस टाइप के देखने को मिल रहे हैं। तो सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हैं, और जो आप लोगों की एंड्रॉयड 12 के यहाँ पे जो लुक है काफ़ी इजीली इंस्टॉल हो जाता है। इसके बाद आप लोगों की जो बूट एनिमेशन है वो भी चेंज हो जाती है, वो भी मैं आप लोगों को जल्दी से दिखा देता हूँ। देख सकते हो मेरा जो डिवाइस है ऑन हो चुका है, अभी यहाँ पे Redmi लिख के आ रहा है, अभी जो आप लोगों का लुक है वो इंस्टॉल हो चुका है, और अभी आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हो गूगल की यहाँ पे जो ऑफिशियल एंड्रॉयड 12 की बूट एनिमेशन है वो आ चुके हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर एंड फंटेस्टिक लगती है, जिसको आप लोग अपने डिवाइस के अंदर यूज़ करके देख सकते हो। और यकीन मानो मेरा, अगर आप लोग इस वाले लुक को अपने डिवाइस के अंदर यूज़ करते हो तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, एंड काफ़ी ईजिली आप लोग एंड्रॉयड 12 के लुक को अपने डिवाइस के अंदर यूज़ करके देख सकते हो। अभी मैंने आप लोगों को इस वाले लुक एंड थीम के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग किस तरीके से इसको अपने डिवाइस के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। सिंपली आप सभी को जाना है थीम स्टोर के अंदर, एंड यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को सर्च करना है Android 12-p.a। ये वाली जो थीम है इसको आप लोग यूज करके देखो, बहुत ज्यादा अच्छी आप लोगों को ये वाली थीम लुक देने वाली है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो Android 12 का लुक है आप लोगों के Redmi के डिवाइसेस के अंदर काफी इजीली इंस्टॉल हो जाता है, एंड जो इसका लुक है वो काफी ज्यादा अच्छा भी आप लोगों को देखने में लगता है। ये जो थीम है अंडर 15 MB आप लोगों को देखने को मिल जाती है, एंड इसके थीम के डेवलपर से मेरी बात हुई थी, काफी ज्यादा अच्छी वो लोग इस थीम को और भी ऑप्टिमाइज करने वाले हैं, और इसके और भी नए अपडेट आने वाले हैं, तो आप लोग इस वाली थीम को यूज करके देख सकते हो। गाइस यही था आज की वीडियो में, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो, एंड मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले बाय एंड सी यू ऑल गाइस इन आर वेरी नेक्स्ट वीडियो।